मैं सतीश कुमार तुहाड़ा सारिया दा SKB न्यूज़ चैनल विच स्वागत करदा हां। हरजीत सिंह हैरी जी, अज असीं पहुंचे इन्हां दे घरे। मैं सतीश वाली जी SKB न्यूज़ चों, जो ये पहली बार इन्हां कोल पहुंचे हां, आपां आओ तुहानूं मिला रहे हां। हां, सत श्री अकाल जी भाजी। सत श्री अकाल जी। ये इलेक्शन तुसीं किन्नी क वारी लड़े हो जी? मेरा फर्स्ट टाइम चांस है जी मेरा। अच्छा जी। हाँ जी सर, तुसी केड़ी पार्टी तो चोणां लड़ रहे हो ते के फैट जिहड़ी लड़ रहे हो, केड़े पार्टी तो लड़ रहे हो जी? सर मैं आम आदमी पार्टी तो ब्लॉक प्रधान जोत विंग तो हाँ जी। तो अगे साड़ी जिहड़े कि आ सर्वे बिहेव ते टिकटां दित्तियां जाणगियां, जे महल्ले वाले जिहड़े जो साडे वासी ने महल्ले तो जे साडे खुश हो गए, जे सानूं टिकट मिलदी आ तां असीं अगे 24 घंटे मन धन नाल सेवा करांगे वार्ड दे विच जी। हाँ जी सर, जे तुसी जीती जाने हो ते पहला काम तुसी अपने वार्ड च केड़ा करोगे? सब तो पहला असी मोहल्ले वालों एक फ्री जिम बनाया जाऊगा जी। अच्छा जी, बहुत अच्छी गल है जी। जिंदे च जिहड़े कि कई बच्चे है जी हुंदे ने जो फीस नहीं दे सकते, गरीब घर दे जिहड़े बिलोंग करदे ने, बहुत अच्छी गल, वो फीस नहीं दे सकते, वो जिम च फ्री अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अपने शरीर नूं जो अजकल नशे तौर जो लोग जा रहे हैं वो नशे दूर रहणगे। सैकेंड नंबर ते असी बनावांगे स्टेडियम जिंदे च बजुर्ग साडी मातावां भैन एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो साडे जिहड़े भरा जो नशे वाल जा रहे हैं, जो अदा जो जो दौर चलता पाया नशे का, वह नशे तो दूर रहेंगे, खेडा वाल ध्यान रखेंगे। हाँ जी। तो सर जी, जी तुसी पता लग्या सानू तुसी होर बाकी बहुत सेवा कर रहे हो कई तरह तो, ते किन्ने सालों तुसी इत्थे रह रहे हो, ते सेवा जी कर रहे हो तुसी किन्ने सालों तो कर रहे हो जी, उस सेवा बारे दसो जी, जानकारी दियो जी। साडी NGO चल रही है जी। अच्छा, 8 साल तो गोल्डन पंजाब वेलफेयर सोसायटी, असी 8 साल तो यह सेवा निभा रहे हैं। जिवें कि महल्ले च, चलो महल्ले की गल तो बहुत दूर रह गई है। हाँ जी। सानू किते भी लुधियाने तो बाहर भी सानू जो किसी बंद फोन आता कि साढ़े को राशन नहीं है, जो सानू ब्लड की लोड़ आ इस चीज़ की, जिवें कि किसी कोई बुढ़ापा पेंशन लवानियां ने, किसी विधवा पेंशन लवानियां ने, किसी ब्लड कैंप की लोड़ पै जाती है, किसी गरीब परिवार से कोई बच्चे नहीं पढ़ सकते स्कूल के, वो स्कूल असी बच्चे खुद अपने NGO वालों पढ़ा रहे हैं। स्कूल की फीस जो भी आ, स्कूल की फीस तो लैके बच्चे पढ़ाने तक किताबों का भी सर साडे NGO वालों दिता जाता बच्चों। तो कई असी गरीब कुड़ियों वास्ते सिलाई सेंटर खोलिया हो जी। सिलाई सेंटर भी है? हाँ जी, जिते गरीब कुड़ियों फ्री एजुकेशन सिलाई बारे सिखाया जाता वा। हाँ जी। तो इन जिमें गरीब कुड़ियाँ होंगे साढ़िया भैन, हाँ जी, उन्होंने असी गरीब कुड़ियों के ब्याह भी कराए जाते हैं जी। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ NGO ਦਾ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ। ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਰਨੀਚਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ NGO ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਫਰਨੀਚਰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੀ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, ਭੈਣ ਨੂੰ 500 ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? 20-21 ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, 10 ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ 250 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਸਿਲੰਟਰ ਤੋਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ हल किदा करदे हो, उहदे बारे जानकारी जरूर दिओ जी। हांजी सर। सर पहली गल तां इह देखो, बाहर च कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आउंदियां ने, जिवें कोई गंदा पानी आ रहा जां स्ट्रीट लाइट की कोई भी दिक्कत आ, जां सीवरेज टिकण की कोई दिक्कत आ, जां सीवर लाइन बंद आ, रात नूं लाइट नहीं आती, दिन की कोई लाइट की कोई दिक्कत परेशानी आ, साडे लई कोई टाइम टेबल नहीं है, चाहे रात के 12 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 2:30 बजे, या रात में असीं 2-2:30 बजे तक बाहर रोड से रह के लोकल जिन्हें परेशानी आती है उसनूं असीं सोल्व करने की कोशिश करदे हां। 2:30 बजे तुसीं दस्सिया जी, ओह की काम कीता जी तुसीं, ओहदे बारे जानकारी दिओ। सर कई वार लोकल लाइट नहीं आ रही होंदी, कई वार ट्रांसफार्मर तों दिक्कत परेशानी आ जाती है, रात नूं खड़े हो गए असीं बिजली महकमे नूं बंदे बुला के असीं खुद खड़े हो गए मौके चैक करवा के देखते हैं कि लोगों ने कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही, जब तक कि उन्हें उस चीज़ का हल ना होंगे असं उत्थे खड़ के खड़े काम करवाने जी। हाँ जी। तो जो मान लो कोई भी चाहे गंदे पानी की दिक्कत आ, लाइट की कोई दिक्कत आ जी, सीवरेज की कोई भी गली मोहल्ले की कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, असं कोशिश करते कि एक दिन के दिक्कत परेशानी है उन्होंने ठीक किया जाए,
ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਸਰ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆ 8888 9883 14। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਆ 8888 7804। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਆ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤੀਜ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜੈਨ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਔਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਐਸ ਕੇ ਬੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਜੈਨ ਜੈ ਭਾਰਤ।